Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Uttar Pradesh ki police vyavastha ko aur chak chauband karne ke liye Pradesh ko aaj 729 mahila sub inspector mil gayi. Shanivar ko Meerut ke Dhan Singh Kotwal Police Training School mein आयोजित दीक्षांत समारोह में इन सभी को एडीजी मेरठ ध्रुवकांत ठाकुर ने बैज लगाकर सम्मानित किया। इन सब इंस्पेक्टर में तीन बेटियां ऐसी भी हैं जिनके पिता की बदायूं में मिठाई की दुकान है। जब इन्हें बैज लगाया गया तो पिता की आंखें डबडब आ गई। देखिए फर्स्ट बाइट और टीवी के कैमरे में कैद समारोह की झलक। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए हंसते हुए। इधर देखिए एक मिनट मेरे। पंचम समूह में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षक सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अब बात करते हैं क्या कहा एडीजी मेरठ ध्रुवकांत ठाकुर ने। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक अवसर है। आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी भारी संख्या में उपनिरीक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में 8000 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए, उनकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग समाप्त हुई। और उसमें भी 8000 में भी सबसे अच्छी बात है कि 1000 से ज़्यादा महिला उपनिरीक्षक हैं। और आज सभी जो पास आउट हुए उपनिरीक्षक उनको माननीय मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड में उपस्थित होकर वहां के माध्यम से यहां के सभी उपनिरीक्षकों को अपना आशीर्वचन दिया है जी। और उनसे ये अपेक्षा की है कि ये सारे उपनिरीक्षक जब प्रदेश की सेवा में जाएंगे तो आम जनता की भरपूर सेवा करेंगे। जो उन्होंने यहाँ की ट्रेनिंग में यहाँ जो 729 महिला उपनिरीक्षक पास आउट हुई हैं, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में 8000 से अधिक उपनिरीक्षक पास आउट में हैं, उनके आज पासिंग आउट परेड हुआ है, उनके लिए उनके परिवार वालों के लिए जो यहाँ उपस्थित आपके सामने सबके लिए गौरव का विषय है। और मैं उन सबसे अपेक्षा ये करूँगा, खासकर यहाँ के और सभी उपनिरीक्षकों से, जो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो भी उनसे अपेक्षित है वो पूरी करें। आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, चुनाव का समय आ गया है, आज ही चुनाव तिथियों की घोषणा होगी। ये सारे सब इंस्पेक्टर्स आज से जाकर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस कमिश्नरेट में ज्वाइन करेंगे, वहाँ ट्रेनिंग होगी, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी एक साल की। ट्रेनिंग के साथ साथ जो सारी चुनौतियाँ उनका भी सामना करेंगे, चाहे चुनाव हो, चाहे रमजान हो, चाहे होली हो, चाहे आगे रामनवमी हो, चाहे सीए रूल्स नोटिफाई करने के बाद जो चुनौती ऊपर ले लेंगे, ये बहुत सही समय है उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनसे सीखने के लिए और उन सबसे सीख कर प्रदेश की जनता की सेवा करें। सर आप सभी उपनिरीक्षकों को क्या संदेश देंगे, क्या सलाह देंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो आपको आशीर्वचन दिया है और आपसे अपेक्षा की है और प्रदेश की जनता की जो अपेक्षा की है, आपके जो अभिभावक सामने बैठे हैं उनकी जो आपसे अपेक्षा है और सबकी अपेक्षा यही है, निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ भाव से प्रदेश की जनता की सेवा करें और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, कदाचार मुक्त बनाने में अपना सहयोग करें। बदायूं में मिठाई की दुकान करने वाले पिता ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह बताया। कहाँ के आप रहने वाले? बदायूं। ये बताइए आपके परिवार में से कितनी बेटियां आज ऐसा ही बनी है? तीन बेटियां हैं। तीनों सगी बहन है? तीनों सगी। पूरा बताइए कहाँ की रहने वाली, कैसे उनकी तैयारी, उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी, क्या था? तो घर पर ही तैयारी करी उन्होंने। पहले क्या करती थी? पहले दो पुलिस कांस्टेबल थी, एक रेलवे में थी। क्या क्या नाम थी? सिखा शिल्पी शैली। अच्छा, और अब ऐसा ही बन गई है? अब ऐसा ही बन गई है। कभी सोचा था कि जो है तीनों बेटियां एक साथ जो है पहले कॉन्स्टेबल और उसके बाद फिर ऐसा ही बनेंगी? सब भगवान की कृपा है साहब, हम बच्चों की मेहनत है। और आप क्या काम करते हैं? मिठाई की दुकान है। अब क्या कहते हैं, तीनों बहनें अब क्या आगे बढ़ने की सोच रही हैं? अब वो उनकी मेहनत करेंगी तो और आगे बढ़ेंगी। अच्छा, से सबने ये सोचा था कि पुलिस में जाना है? नहीं, जो है जॉब करनी है, सरकारी मिले। आज सीना कितना गर्व से चौड़ा हो गया? खूब चौड़ा है गर्व से सीना। तीनों बेटियां आपकी जो है ऐसा ही हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।